Welcome to my channel, Delightfully Frustrated Mom. And today is Foodie Friday. You were expecting me, right? Yes, I know. Mat bolo, phir bhi aapke expression se mujhe pata chal raha hai. Okay. So first of all, wish you all a very happy Paryushan. Okay, I'll tell you, Paryushan is that festival which is like purification of our soul. जिसमें हम अपने सारे फाइव सेंसेस को कंट्रोल करते हैं एंड वी ट्राई टू प्योर आवर सोल आवर माइंड एंड बॉडी बाय ईटिंग गुड फूड एंड बाय टॉकिंग गुड बाय आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम पीपल एंड आल्सो बाय टेकिंग अ प्रॉमिस दैट वी विल नॉट ट्राई टू कमिट मिस्टेक्स एंड सो दिस इज इट सो दैट्स व्हाई दिस रेसिपी इज पर्युशन स्पेशल वेयर आई हैव नॉट यूज अनियन गार्लिक एंड लहसुन अनियन गार्लिक एंड लहसुन तो गार्लिक ही होता है Onion, garlic and ginger. Okay, so I'm not using these things. और ये है paneer tikka butter masala. Actually, जब तक आप अपने चैनल पे पनीर रेसिपी ना डालो, I don't think so you get the certificate of running a food channel. So इसलिए मुझे ये पनीर की रेसिपी मैंने डाली है and this is the best day to start with. Okay, because मेरा चैनल is a healthy food channel. So let me tell you, paneer is also a very healthy thing to eat. Paneer is loaded with calcium. It has right amount of fat which is required for your body. And इसीलिए बच्चों का favorite भी होता है because it is soft to eat and it's very important to eat. अगर आपको अपने bones strong करने हैं then you should eat paneer. आप raw paneer खा सकते हैं paneer की तो कितनी varieties of dishes बनती हैं like paneer bhurji, then you have paneer lababdar, then you have paneer chili. And then you have paneer tikka masala that I have made in my recipe. So there's so many things that you can make with paneer. मैं paneer parathe भी बनाती हूँ. So there's lot you can you know mix and match with paneer and give it to your children. So आप ज़रूर खाओ, try करो ये recipe और लग जाओ काम पे. चलो, let's make it. Let's get started. यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है जो मैं एक डेयरी से लाई हूँ नॉट दोस पैकेट वंस क्योंकि पैकेट वंस वाला बहुत ही च्यूई होता है अब इसे मैरिनेट करने के लिए हम इसमें वन बोल ऑफ कर्ड यानी दही डाल देंगे और स्मॉल टीस्पून ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी वन अगेन स्मॉल टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर One teaspoon of dhania jeera powder. And one teaspoon of garam masala. And one teaspoon of salt. बस अब आपको इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है आप अपने हाथों का भी यूज कर सकते हैं मैं कैमरा पकड़े हूँ एक हाथ में इसलिए मैं स्पून का यूज कर रही हूँ ओके और हमें इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है ये कुछ ऐसा दिखेगा आप इसे कवर करके हाफ एन आवर के लिए रख दीजिए परफेक्ट हीट अ नॉनस्टिक पैन और उसमें आप थोड़ा सा ऑयल डालिए यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट एक टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया है और हमारा जो मैरिनेटेड पनीर है अब मैं उसे बोथ साइड्स अच्छे से रोस्ट कर लूंगी एक अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाएगा आपकी डिश में वाओ हमारा टिक्का पनीर तैयार है ग्रेवी में डालने के लिए आप चाहो तो ऐसे भी खा सकते हो मैंने यहाँ पे 12 काजू और 2 स्पून ऑफ खसखस को आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के पहले से रखा है इसीलिए ये काफी अच्छे से सोक हो गई है अब हमें इसे मिक्सर ब्लेंडर में डाल के इसका एक पेस्ट बनाना है नाउ काजू और खसखस का पेस्ट रेडी है अब हम 2 फ्रेश टोमेटोज लेंगे टमाटर और उसको मिक्सर ग्राइंडर में चॉप कर अब हमारी टोमेटो प्यूरी रेडी है यहाँ पे मैंने एक डीप बॉटम पैन लिया है और इसमें मैं 3 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ आपको अगर बटर ज्यादा पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हो
अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। ये है तेज पत्ता और दालचीनी, 3 लौंग और 1 इलायची, और हम इसे 2 मिनट के लिए इसे स्टर करेंगे ताकि इसकी स्मेल अच्छी आ जाए। बस अब आपको तैयार की हुई टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड कर देनी है और आपको इसे 5 मिनट्स तक कुक करना है, जब तक ये प्यूरी थोड़ी रिड्यूस हो जाए और घी साइड्स पे आने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में घी आने लगा है। अब मसाला डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। याद रखिए आपने पनीर में ऑलरेडी मसाले डाल रहे हैं, इसलिए ध्यान में रख के इसमें मसाले डालिए। इसे हम 5 मिनट्स तक और कुक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पेस्ट काफी अच्छा रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें हमारा काजू और खसखस का पेस्ट ऐड कर देंगे। वाओ, ये ग्रेवी को एक अच्छी थिकनेस और कलर देगा। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करिए लाइक दिस। आफ्टर 5 मिनट्स आपका पेस्ट और भी गाढ़ा हो जाएगा और अच्छा कलर भी आ जाएगा। यस, जब आपका पेस्ट थोड़ा ड्राई हो जाए तब आप उसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर दीजिए लाइक दिस। यस, और उसे मिक्स कर दीजिए अच्छे से। फिर हम एक बॉईल आने के बाद हमारा रेडी किया हुआ मैरिनेटेड और फ्राइड पनीर टिक्का को हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। परफेक्ट, और हम इसे 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, तब तक स्लो फ्लेम पर, जब तक ये ग्रेवी हमारी थोड़ी थिक हो जाए। एंड दैट्स इट, सी इट हैज बिकम वेरी थिक, काफी थिक हो गई है और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। टाटा टिंडिडा, एंड द डिश इज रेडी। अब टाइम है इसे ट्राई करने का, लेट्स ट्राई। बहुत अच्छी है। आई नो आप लोग कंफ्यूज हो गए मेरे एक्सप्रेशन से, बट दिस इज अल्टीमेट यार, मेरे सारे सेंसेस खुल चुके हैं। चलो मैं जा रही हूँ मेरा बोल ऑफ पनीर खाने, एंड यू ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल राइट नाउ। मैंने आपको इतनी अच्छी डिश खिलाई है, आपको सब्सक्राइब करना बनता है। ओके, गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द रेसिपी, गो ट्राई इट, और मैं आपको फिर से मिलूंगी नेक्स्ट फूडी फ्राइडे विद सम नाइस यम्मी हेल्दी रेसिपी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।